हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे फैंटेसी जॉनरा की एक बेहतरीन जर्मन मूवी द लिटिल विच की। तो कहानी शुरू होती है एक सुंदर सी लड़की से जो अपने टॉकिंग रेवन एब्रेक्सिस के साथ स्पेल्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। यही लिटिल विच होती है। पर प्रॉब्लम ये थी कि लिटिल विच कोई भी स्पेल ढंग से नहीं कर पाती थी, जैसे पानी की जगह चम्मचों की बारिश करवा देना। वो जंगल के बीच बने एक हट में रहती थी। वो काफी अपसेट थी क्योंकि रात में होने वाले ब्रोकन माउंटेन के ऊपर जो डांस पार्टी थी उसमें उसे फिर से इनवाइट नहीं करा गया था। इसे वॉलपर्गिस नाइट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सिर्फ बड़ी विचेज ही इन्वाइट होती थी, और ये तो अभी सिर्फ 127 साल की थी, जो कि विचेस के स्टैंडर्ड से बहुत ही यंग थी। पर लिटिल विच प्लान बनाती है कि वो उड़कर वहां जाएगी, और क्योंकि डांस शुरू हो चुका होगा तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देगा। पर एब्रेक्सिस उसे मना कर देता है कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। पास के गाँव में दो सिबलिंग्स रहते थे, थॉमस और रॉनी, जो विचेस के बारे में जानते थे। एक्चुअली गांव में हर कोई विचेस के बारे में जानता था, और उनके डांस के बारे में भी, और वो ये मानते थे कि विचेस ओल्ड और अगली होती हैं, और विकेट भी, और उन्हें कभी ना देखना ही खुश नसीबी होती है। रात होती है और लिटिल विच नहीं मानती, और एब्रेक्सिस से छिपते हुए झाड़ू लेकर उड़ जाती है और ब्रोकन माउंटेन पहुंचती है, जहां विचेस पार्टी कर रही होती हैं, नाच गा रही होती हैं। लिटिल विच भी शामिल हो जाती है, पर सब सिंक में डांस कर रहे होते हैं जिसे वो कैच नहीं कर पा रही होती, जिस कारण उसे उसकी आंट रम्पम बेल पकड़ लेती है और सबके सामने एक्सपोज कर देती है, जिस कारण ओल्डेस्ट विच जो लीडर भी थी उसे वापस जाने का कहती है। लिटिल विच नेक्स्ट ईयर का पूछती है तो ओल्डेस्ट विच कहती है कि अगर तुम अच्छी विच बन जाओगी तो तुम्हें अगले साल इनवाइट किया जाएगा। पर बाकी लोगों का कहना होता है कि क्योंकि विच के लिए वो बहुत पतली अच्छी स्मेल करने वाली है, इसलिए वो भी बहुत यंग और स्टूपिड है। इसलिए ओल्ड विच कहती है कि आज से एक साल के बाद वॉलपर्गस नाइट के ठीक पहले वाली रात को वो एक काउंसिल बुलाएगी, सारी विचेस उसका टेस्ट लेंगी, और अगर वो पास हो गई तो डांस में शामिल हो सकती है, और अगर हारी तो हमेशा के लिए बैंड हो जाएगी। उसे एक स्पेल बुक दी जाती है जिसके हर एक स्पेल को उसे याद करना था। लिटिल विच रेडी थी, पर क्योंकि इस बार वो बिना इनविटेशन के यहाँ आई थी, इसलिए उसे पनिशमेंट दी जाती है। उससे उसकी ब्रूम स्टिक लेकर आग में फेंक दी जाती है, ताकि वो 3 दिन और 3 रात पैदल चलकर घर पहुंचे, और भारी सी बुक लेकर लिटिल विच चल पड़ती है। गिरते पड़ते वो किसी तरह अपने घर पहुंचती है। एब्रेक्सिस को सब कुछ बताती है कि कितनी शानदार पार्टी थी। एब्रेक्सिस उसे समझाता है कि बुक को पढ़ना सजा नहीं, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। बुक में 7,892 स्पेल्स थे, यानी एक दिन में उसे तकरीबन 25 स्पेल से ज्यादा याद करने थे, क्योंकि हर फ्राइडे स्पेल्स करना मना था। वो डिसाइड करती है कि वो हर रोज कम से कम 8 घंटे मेहनत करेगी, पर पहले रम्पल पेल से उसे बदला लेना था। पर उसके लिए भी उसे उससे बेटर विच बनना पड़ेगा, वरना उसके स्पेल्स को वो आसानी से मोड़ देगी। इसलिए लिटिल विच बुक खोलती है। सबसे पहला लेसन था विंड कंज्योर करना, पर वो सब कुछ गड़बड़ कर देती है और एब्रेक्सिस के रैबिट ईयर रुक जाते हैं। वो काउंटर स्पेल करती है, पर उसके खुद के कान उगाते हैं। वो जंगल में प्रैक्टिस करने जाती है, पर तभी वहाँ वो 3 औरतों को देखती है जो टहनियाँ इकट्ठा कर रही थी, पर हवा नहीं चल रही होती इसलिए उन्हें टहनियाँ नहीं मिलती। लिटिल विच स्पेल कर देती है, और इस बार स्पेल सही हो जाता है और हवा चलने लगती है, और 3 औरतों को लकड़ियाँ मिल जाती हैं। पर एक फॉरेस्टर आकर उन्हें लकड़ियाँ ले जाने से रोकने की कोशिश करता है, पर लिटिल विच उस पर जादू करके उससे ये लकड़ियाँ उठवा लेती है, और यहाँ तक कि खुद उसके ऊपर बैठकर काम करवाती है। ऐसा होता है एक बिल्ली देख रही होती है, पर जब वो वापस जाती है तो देखती है कि 2 बुली लड़के बाकी बच्चों के सामान को बर्बाद कर रहे हैं। तब उसे फील होता है कि बुली करना कितना गलत है। अगले दिन मेला लगा हुआ होता है, जहाँ लिटिल विच एक ब्रूमस्टिक खरीदती है। वहाँ रॉनी और थॉमस भी होते हैं जो कैंडी केन चाहते थे। लिटिल विच ढेर सारी कैंडी और एक कैंडी केन खरीदती है, और उसे मैजिकली रॉनी के जेब में डाल देती है। आगे एक लड़की पेपर फ्लावर बेच रही थी, पर कोई नहीं खरीद रहा था। लिटिल विच उन फ्लावर्स को एन्चेंट कर देती है और उसमें से खुशबू आने लगती है, और अब सबको वही पेपर फ्लावर्स चाहिए थे। पर फ्लावर खत्म नहीं होते, और रॉनी और थॉमस ये नोटिस कर लेते हैं। लिटिल विच अपने ब्रूम पर उड़कर वापस घर पहुंचती है। अगला दिन फ्राइडे था, इस दिन मैजिक करना मना था, जिस कारण लिटिल विच बोर हो रही थी। पर रॉनी और थॉमस वहां पहुंच जाते हैं, और उन्हें उसका हट दिख जाता है। बच्चे अंदर जाते हैं, जहां लिटिल विच उन्हें मिलती है और खाने पीने का ऑफर करती है। बच्चों की नजर स्पेल बुक पर भी जाती है। रॉनी डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या वो एक विच है, और लिटिल विच स्पेल्स करके दिखाती है कि वो एक विच ही है। अब बच्चे अलग अलग ट्रिक्स करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, और बैंड होने के बावजूद वो मैजिक करती चली जाती है।
तभी डोर नॉक होता है। पहले तो वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ एक काली बिल्ली होती है और फिर उसकी आंट रम्पलपल दिखती है। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। बच्चे छिप जाते हैं पर उसे डाउट हो जाता है कि लिटिल विच स्पेल्स कर रही थी। वो ये भी बताती है कि ह्यूमन से कॉन्टेक्ट करना मना है पर उसे और कुछ नहीं पता चल पाता। लिटिल विच बच्चों को फटाफट घर भेजती है। बच्चे खुश थे कि वो बाकी विचेस जैसी नहीं थी, पर तभी रम्पलपल उन्हें पकड़ लेती है। वो बच्चों को डराकर भगा देती है पर अब उसे डाउट हो जाता है। लिटिल विच जोरों शोरों से स्पेल सीखने लगती है और काली बिल्ली अक्सर उस पर नजर रखती थी। ठंड का मौसम आ जाता है, स्नोफॉल शुरू हो जाता है। बाहर बच्चे खेल रहे थे, लिटिल विच भी उनके साथ खेलने लगती है कि तभी वही दोनों बुली लड़के वहां आते हैं और स्नोमैन को तोड़ने लगते हैं। पर लिटिल विच जादू से उस बच्चे को गिरा देती है और सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर लिटिल विच को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रोते हुए बुली लड़के का पीछा करती है और देखती है कि उसके फादर उससे बहुत रूडली बिहेव करते थे। पर ऐसा करते रम्पलपल भी उसे देख लेती है। लिटिल विच उस लड़के के पास जाती है। लड़का बताता है कि उसके पापा जुए में सारे पैसे हार जाते हैं और उसे दोष देते हैं कि उसने पैसे चुरा लिए। लिटिल विच को आइडिया आता है। वो 9 पिन एली जाती है जहाँ उसके पिता जुआ खेलते थे और जानबूझकर बॉल से एली को तुड़वा देती है, जिससे उसके पिता को बैन कर दिया जाता है खेलने से। और फिर वो लड़का अपने पिता के पास जाता है और दोनों में सुलह हो जाती है। ये सब रम्पलपल देख रही होती है। जब लिटिल विच घर जाती है तो देखती है ढेर सारे कैंडल्स जले हुए हैं। ये सब कुछ एब्रेक्सिस ने किया था क्योंकि ये लिटिल विच का बर्थडे था। और इस तरह पूरा साल बीत जाता है। अब अगले दिन डांस पार्टी थी, यानी आज रात लिटिल विच का टेस्ट होना था। उसने सारे स्पेल्स याद कर लिए थे। रम्पलपल आती है कि हेड विच ने उसे भेजा है और आधी रात को टेस्ट होगा। लिटिल विच आधी रात को विचेस केव पहुंचती है। पहले तो वहां कोई नहीं होता पर फिर सभी विचेस वहां आ जाती है और उसे 3 टास्क दिए जाते हैं। पहला टास्क दिया जाता है कि वर्ल्ड विंड बुलाओ। लिटिल विच इजीली ये कर देती है। अगला था बिजली चमकाना, वो भी वो आसानी से कर देती है। तीसरा टास्क रम्पलपल देती है कि 3574th पेज पर जो स्पेल है वो कास्ट करो। दूसरी विचेस को खुद नहीं पता था कि वो कौन सा स्पेल था, पर लिटिल विच को याद था कि ये बॉल लाइटनिंग चार्म है और वो उस चार्म को कर देती है। वो पास हो जाती है और हेड विच कह देती है कि वो कल डांस पार्टी में आ सकती है अगर किसी को ऑब्जेक्शन ना हो तो। सब खुश थे पर रम्पलपल को ऑब्जेक्शन था। उसके अकॉर्डिंग लिटिल विच एक बहुत ही बुरी विच थी। उसने पिछले पूरे साल उस पर नजर रखी थी और उसके क्राइम्स की लिस्ट बनाई थी। वो जबरन बच्चों की मदद करती थी और वो ह्यूमन से कांटेक्ट बढ़ाती थी। वो बताती है कि उसने फ्राइडे को बहुत सारे स्पेल्स भी किए हैं और क्योंकि वो बच्चे अब उससे डरते नहीं, ये विचेस का सबसे इम्पोर्टेंट रूल था कि लोग खासकर बच्चे डरे। और वो ये भी बताती है कि उसने बाकी बच्चों को खुश करने के लिए एक बच्चे को पनिश किया था। पर लिटिल विच वो सारी और अच्छाइयां बता देती है जो उसने साल भर की थी। पर ये सभी विच कम्युनिटी के खिलाफ बात थी। उन सबके अकॉर्डिंग एक अच्छी विच वही है जो दूसरों को डराए सताए, ये सारी क्वालिटी उनमें इनबिल्ट होती है। जबकि लिटिल विच एक बैड विच है क्योंकि वो बस अच्छाई के लिए जादू करती है, इसलिए उसे पनिश करा जाए। पर लिटिल विच कहती है कि वो भी विकेट बन जाएगी और ये बात प्रूव कर देगी कि वो गुड विच है। रम्पलपल कहती है ठीक है, उन दोनों ह्यूमन चिल्ड्रेन को जो तुम्हारे दोस्त है आधी रात से पहले यानी वॉलपर्गस डांस के पहले उन्हें स्टोन में चेंज कर दो, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उससे उसके मैजिकल पावर छीन लिए जाएंगे। लिटिल विच और कुछ भी करने को रेडी थी, या तक कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने को भी तैयार थी, पर सब चले जाते हैं। वो घर वापस जाती है और सारा गुस्सा एब्रेक्सिस पर निकाल देती है कि सारी उसी की गलती थी, उसी ने उसे अच्छा बनने को कहा था, और वो उसे फिर घर से निकाल देती है। सुबह होती है और वो गांव जाती है और दोनों बच्चों को स्टोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, पर क्योंकि वो दिल से अच्छी थी उससे ये नहीं हो पाता और रम्पलपल उन्हें नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वो बच्चों के आसपास एक मैजिकल सर्कल बना देती है। सारी बात बच्चों को बताती है ताकि वो सर्कल से बाहर ना निकले। रम्पलपल उससे कहती है कि उसे इस बात का रिग्रेट होगा। लिटिल विच गुस्से में घर आती है कि ये विचेस खुद को समझती क्या है, बिना स्पेल बुक के वो सब कुछ भी नहीं, जबकि उसे खुद को तो पूरी स्पेल बुक याद है। तभी उसे आइडिया आ जाता है। वो स्पेल बुक उठाती है, उसे एन्चांट करती है। उसका एन्चांटमेंट सक्सेसफुल होता है। इस कारण वो फॉरेस्ट जाकर एब्रेक्सिस को बुलाती है, उससे माफी मांगती है और बताती है कि वो ब्रोकन माउंटेन जा रही है। पर एब्रेक्सिस देखता है कि वो मैच स्टिक घर पर ही भूल गई है और उसे फायर स्पेल में प्रॉब्लम आती है। 12 बज जाते हैं, विचेस माउंटेन पहुंचती है पर वहां से फायर वुड्स मिसिंग होते हैं। ये लिटिल विच ने किया था। जब सारी विचेस उससे पूछती है तो वो स्पेल करती है जिससे सबके ब्रूम स्टिक्स उड़ते हैं और फायर प्लेस में पाइल अप हो जाते हैं। वो फिर बुक एन्चेंटमेंट स्पेल करती है जिससे सबके घरों से सारे स्पेल बुक्स उड़कर पास आ जाते हैं और फायर प्लेस पर पाइल अप हो जाते हैं। सारी विचेस उस पर गुस्सा होने लगती है और उसे मारने आती है, पर वो स्पेल कर देती है कि उसे छोड़कर किसी के पास भी विच क्राफ्ट की पावर ना रहे। सबकी पावर चली जाती है, किसी को स्पेल याद नहीं रहते और अब वो देखती है कि मैच बॉक्स नहीं है
और उसका स्पेल भी आग नहीं लगा रहा होता। सब उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो सबके ऊपर दूसरा स्पेल यानी मेंढक में बदलने वाला स्पेल कर देती है। बस रंपम्पल छिप कर बच जाती है, बल्कि बाकी सारे विचेस मेंढक में बदल जाते हैं। तभी एब्रेक्सस आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर रंपम्पल एक बुक उठा लेती है, पर लिटिल विच देख लेती है और अब लिटिल विच वो स्पेल कास्ट करती है जो वो हमेशा से करना चाहती थी। वो रंपम्पल के सिंग उगा देती है, सुअर जैसी नाक बना देती है, बकरी की दाढ़ी बना देती है और घोड़े की पूंछ उगा देती है और फिर उसे भी मेंढक जैसा बना देती है। फिर वो सारे स्पेल बुक्स और ब्रूम स्टिक्स में आग लगा देती है। दोनों बच्चों का स्पेल भी ब्रेक हो जाता है और वो विंडो के आसपास आकर देखते हैं कि पार्टी चल रही है, और ये पार्टी और कोई नहीं बल्कि लिटिल विच और एब्रेक्सस कर रहे होते हैं। वो दोनों बहुत खुश होकर डांस करते हैं और यहाँ ही मूवी खत्म हो जाती है।